गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम टू माई न्यू वीडियो। तो अब ये है पार्सल वाले भैया की कॉल, तो मैं जा रही हूँ पार्सल लेने गज स्कूल तक। तो मैं दिखाऊंगी, बताऊंगी नहीं अभी बोर्ड क्या आया है, मैं आपको दिखाऊंगी। और मौसम है गाइज ख़राब और कुल में पड़ गई है ठंड, हल्की हल्की बारिश भी आ रही है। तो मैं जा रही हूँ अभी पार्सल लेने, और आज पापा जी भी आए कुल्लू। अच्छा अच्छा लग रहा है, मेरा पार्सल भी आया और पापा जी भी आए, तो मैं दिखाती हूँ आपको। जी, अंजू के नाम से। आराम से निकालना, गिराना मत। पहले कस्टमर ने ना फोन ही गिरा दिया नीचे, आईफोन को दिल का रहा था सुपर। ठीक है भैया, थैंक यू। तो गाइस मेरा आईफोन आ चुका है, काफी दिनों से वेट कर रही थी मैं इसका। गुड मॉर्निंग गाइस, तो हम जा रहे हैं आज बेकली, पापा जा रहे हैं बेकली स्कूल कुछ काम से, और मैं जा रही हूँ बेकली माता मंदिर क्योंकि नवरात्रि चले हैं और मेरा व्रत है। तो मैं दिखाऊंगी आपको तो आज की, और मैं कल की क्लिप थोड़ी कम थी ना, ब्लॉग नहीं बन पाएगा, तो दोनों जो कि मैं एक ब्लॉग बना दूँगी। पहुंच गए हम बेकली माता मंदिर, और ऊपर है स्कूल जहाँ मैं पढ़ी हूँ। गाइस पहले मैं दर्शन करूँगी, फिर आप लोगों को कराऊंगी। पूज रहे हैं यहाँ पे कन्या, नमस्कार नमस्कार नमस्कार। ठीक है जी, ओ भाई सारा मंदिर है। और मैं यहाँ पे थर्ड से फिफ्थ तक पढ़ी, और मैं यहाँ पे खेलती थी। यहाँ के जाता है, यहाँ के जाता था मेरे रूम का रास्ता, और यहाँ जाता है स्कूल का रास्ता। और संडे वाले दिन तो मैं यहीं पे पड़ी होती थी खेलने, मेरी फ्रेंड्स थी ना यहीं के, मेरी स्कूल यहाँ पे पढ़ी हूँ मैं फिफ्थ तक। जहाँ मेरा रूम था वो तो दिख नहीं रहा, यहाँ से थोड़ा सा ही आगे था, ज़्यादा दूर नहीं था। और यहाँ से कभी कभी कुछ ऐसा, पापा जी ये अभी स्कूल कुछ काम से, इनको कुछ काम है यहाँ पे, तो मैं कर रही हूँ तब तक उनका वेट। और यहाँ पे हमारे मकान मालिक का घर भी है, शायद मैं थोड़ी देर वहाँ जाऊँ क्योंकि अकेले मैं बोर हो रही हूँ यहाँ पे। ल
है मुझे बहुत सारा प्रसाद, लड्डू वगैरह, केला और इसमें एक सुंदर सी चुनरी। जय माता दी। अब पापा जी, मैं थोड़ा लेट फ्री इसलिए जा रही हूँ मैं आंटी जी के घर। गाइस, बेकली से दिखता है ऐसा कुछ उल्लू प्रगुल्लू दिख रहा है। बरहा बिजली महादेव। बाय खुशी। तो गाइस, मैं आ गई हूँ वापस लिफ्ट लेके किसी से। पापा जी लेट आ रहे थे और मुझे कुछ काम है रोड ढालपुर में, तो अब बारिश भी हो रही बहुत ज़्यादा। उस टाइम सुबह जब हम आए थे उस टाइम धूप लग रही थी, तो मैं बस एक कमीज पहन के आ गई और अब मैं ठंड से मर सकती हूँ। और अब मैं जा रही हूँ पहले रूम, क्योंकि सामान भी छोड़ना है, फिर वहाँ से मैं कुछ पहन दूँगी बाहर से, फिर मैं जाऊँगी रोड ढालपुर तक काम करके आऊँगी। मैं रात हो गई बहुत ठंडे में से, फोन भी नहीं पकड़ जा रहा है। अब पता नहीं कैसा बनाया होगा मैंने ब्लॉग कैसा नहीं, क्योंकि मैं चीज़ें शूट नहीं कर पाई। तो मुझे है बाद में। बाय गाइस, ये दिया है मेरे को भैया ने प्रसाद मंदिर से, क्योंकि मैंने भैया को जानती थी। और ये दिया माता की चुनरी सुंदर सी, जो माता को उड़ाई थी बहुत सारी थी, उसमें से एक भैया ने मेरे को दे दी। गाइस, ये है चुनरी माता की जो भैया ने दी है। तीन चार चुनरियाँ उड़ी थी ना माता को, तो उसमें से भैया ने एक दी निकाल के मुझे। बाय बाय, अब जाना मुझे लोढ़ालपुर तक, कुछ काम है, मिलते हैं तब। अब बाय गाइस, अब जा रही हूँ मैं लोढ़ालपुर तक, और हल्की हल्की बारिश हो रही है, मैंने छाता नहीं लाया, फटाफट से काम करा के आ जाऊँगी। और कुछ काम नहीं है, दस पंद्रह मिनट का है, फिर मैं आ जाऊँगी। शायद पापा जी पता नहीं कहाँ हैं अभी, फिर मैं फटाफट आ जाऊँगी, ठंडे बाहर बहुत। तो मेरी जुतियाँ है फटने वाली बारिश की वजह से, और ये ना बहुत ज़्यादा फिसल रही है, शायद आज की वजह से फिसल रही। बताना भूल गई थी कि मैं दीदी के रूम आ रही हूँ, उन्होंने बुलाया है, शायद ही फिर रूम आएंगे। वीडियो कॉल पे है मम्मी जी। ये है हमारी आस्था रानी। यू शट अप, नो बकवास। ये कौन बुड्ढू बुड्ढला है? चुप रहो। किसको चाहिए ये? किसको चाहिए आईफोन? किसको चाहिए? मुझे। कौन सा वाला आईफोन जी? अब गाइस, तो हम जा रहे हैं अपने रूम, यारे मेरे रूम में मेरे मेहमान और काव्यांश और ये शराब काव्यांश और जी जवान देखो गाड़ी निकाले एसपी पेन। जीजू हेलो गाइस, बोलो मस्त है गाइस। बोला कुछ नहीं लग रहा।